अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमारे कोर्स का सबसे पहला चैप्टर, एक आसान सा चैप्टर है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज क्लोनिंग। एक अहम टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ एमसीक्यूज भी ऐसे हैं जो कि पिक होते हैं इस टॉपिक में से। तो आज हम लोग समझेंगे दैट व्हाट इज क्लोनिंग। सबसे पहले क्लोनिंग कब परफॉर्म हुई, क्या वजूहात थी क्लोनिंग की, इन सारी की सारी बातों पर फोकस करेंगे। क्लोनिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसे यू डिफाइन किया जाता है दैट इट इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है ब्रीडिंग का। कुछ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ब्रीडिंग, इसका मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन होना। सो इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड टू रिप्रोड्यूस। और इस पे से सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो डेवलप होता है वो ये होता है कि क्या आर्टिफिशियल मैनर से लिविंग बींग्स क्रिएट किए जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल मीन्स से लिविंग बींग्स को डेवलप किया जा सके। आप लोगों ने प्रीवियसली क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस, ये बात पढ़ी थी, बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस, जिसमें अगर आप लोग क्लिक कर रहा हूं, ये बात समझाई गई थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग बींग से ही डेवलप हो सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग बींग से ही क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ए बायोजेनेसिस था, कॉन्सेप्ट ऑफ ए बायोजेनेसिस ये कहता था कि जो लिविंग बींग्स हैं उनको नॉन लिविंग बींग से क्रिएट या उनको नॉन लिविंग बींग से डेवलप करवाया जा सकता है। देन लेटर ऑन रिडाए वॉज ए साइंटिस्ट जिसने, और लुइस पाश्चर एक साइंसदान था, इसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ये एक्सप्लेन किया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, लिविंग बींग्स जो हैं वो लिविंग बींग से ही क्रिएट हो सकते हैं, नॉन लिविंग मटीरियल से कभी भी लिविंग मटीरियल डेवलप करना मुमकिन नहीं है। तो फिर वो बात उसको क्लैरिफाई हो गई थी। बट अब अगर हम लोग क्लोनिंग की डेफिनेशन को दोबारा से देखें ना, तो ये कह रहे हैं इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग, यानी फिर कहीं ना कहीं बात वही आके बैठ रही है कि क्या हम आर्टिफिशियल बींग से लिविंग बींग्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इफ इन केस ये बात सच हो गई, दैट अगर ये बात ऐसी प्रूवन होगी दैट इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड टू ब्रीड, तो फिर कहीं ना कहीं फिर से हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस पे अमल करना पड़ेगा। तो ये बातें मैं आप लोगों को आगे जाके सिखाऊंगा, क्या इतना कहना सही भी है या नहीं, या गलत है, ये कोई आर्टिफिशियल मैनर नहीं है या ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। तो ये बातें मैं आगे जाके क्लैरिफाई करूंगा। तो ये वर्ड हमारे लिए बड़ा वाइटल होगा, आर्टिफिशियल वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड हमारे लिए बहुत ही वाइटल होना है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल वर्ड सही से प्रूव हो गया तो कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट क्लोनिंग है इट वॉज परफॉर्म्ड इन द ईयर 1996। इस ईयर में थोड़ा सा मसला है, अगर मैं ऐसा बुक्स ओपन करो, चैप्टर नंबर 1 पर आओ। चैप्टर नंबर 1 में आ जाओ, पेज 11, क्लोनिंग की हेडिंग है, उसमें सेकंड पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन के अंदर आप लोग को ईयर नजर आ रहा होगा 1997। अब मैंने रखा है 6। अब मसला यह है कि कुछ बुक्स में मेंशन है 6, कुछ बुक में मेंशन है 7। तो ये हुआ कुछ यूं था, इट वॉज द एंड ऑफ 1996 एंड देन वॉज कंप्लीटेड इन 1997। एंड में बिगेन हुआ था 6 के और 1997 के अंदर जाके मुकम्मल हो गया था। तो तभी ये थोड़ा सा ईयर का मसला आता है, तो मैंने 6 मेंशन किया, तभी मैंने साथ ही साथ बुक में से भी शो कर दिया, बुक में 7 मेंशन आ रहा है। आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है, बुक को फॉलो करेंगे तो 1997 मानेंगे। हुआ क्या था कि एक अफ्रीकन वेलश था
उस अफ्रीकन विलेज के अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक उनकी एक ब्रीड थी, ब्रीड ऑफ शीप दैट वॉज नोन एज मुनिच। स्पेसिफिक ब्रीड थी जिस जो के मुनिच थी, जैसे एनिमल्स के अंदर डिफरेंट मेटिंग्स होती हैं, डिफरेंट ब्रीड्स होती है, तो ऐसी शीप की भी वहां पर एक ब्रीड थी दैट वॉज नोन एज मुनिच। ये मुनिच शीप उस एक अफ्रीकन विलेज की डोमेस्टिक एनिमल थी। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल विच आर द मोस्ट कॉमनेस्ट एनिमल्स ऑफ दैट स्टेट। उस एरिया का जो सबसे कॉमनेस्ट एनिमल होता है ना, उस एनिमल को डोमेस्टिक कंसिडर किया जाता है, और डोमेस्टिक एनिमल्स तादाद में भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुनिच उस विलेज की एक डोमेस्टिक एनिमल थी। हुआ कुछ यूं कि इस एक स्पेसिफिक ब्रीड को, मुनिच को, किसी ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट करना स्टार्ट किया। तो जब ये इसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट किया, ये हिस्ट्री हमारे पास लिखी भी नहीं आ रही कोर्स के अंदर, बट बैकग्राउंड समझना टाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें ज्यादा क्लियरिफाई हो पाता है कि ये प्रोसेस डेवलप क्यों हुआ था, किस वजह पर डेवलप हुआ था। तो जब डोमेस्टिक एनिमल जो कि मुनिच था, उसको ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करना स्टार्ट हुआ, तो हुआ ये कि इस मुनिच की उस ऑर्गेनिज्म की वजह से डेथ होना स्टार्ट हुई। अब क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म उस जगह में इतनी ज्यादा तादाद में था, इनिशियली तो ये चीज विटनेस हुई नहीं। ये हमारे यहाँ जैसे फ्लाइज बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ फ्लाइज मरी हुई होंगी, तो ये थोड़ी विटनेस हो पाएगा, हम लोग उसको ऐसे ग्राफ थोड़ी कर पाएंगे कितनी ज्यादा फ्लाइज की डेथ आकर हो रही है, मुमकिन ही नहीं, समझ नहीं आएगा कितनी ज्यादा मर रही है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा, ऐसी मुनिच की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो जब मुनिच की डेथ होना स्टार्ट हुई उस एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर, तो ये हुआ कि इनिशियली तो ये चीज नोटिफाई ही नहीं हुई कि यही एक स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ शीप, इसी की डेथ आकर हो रही है। यूं हुआ कि हाँ चलो, किसी के पास मुनिच थी, उसकी डेथ आकर हो गई, तो उसको कंसिडर किया जा रहा था एज ए नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डेथ, तो उस चीज को इतना कंसिडर ही नहीं किया गया, मुनिच की डेथ आकर हो गई। कुछ अर्सा और गुजरा, जब कुछ अर्सा और गुजरा तो और मुनिच की डेथ होना स्टार्ट हुई, और अब ये चीज रेक्टिफाई होगी या नोटिफाई होगी कि यही एक ब्रीड है, यही एक स्पेसिफिक शीप है जिसकी कंटिन्यूसली डेथ आकर हुए चली जा रही है। अब जब ये चीज रेक्टिफाई हुई ना, जब ये चीज नोटिफाई होगी कि यही एक स्पेसिफिक ब्रीड है जिसकी डेथ होती चली जा रही है, तो वहां के लोगों ने इस चीज को बड़ा सीरियसली लिया। फिर क्या होना स्टार्ट हो गया, जैसे एक घर है उसके पास मुनिच है, तो साथ वाले घर में भी मुनिच है, तो दोनों की मुनिच की डेथ आकर हो रही है, तो उस चीज को बड़ा ही नोटिफाई किया जा रहा था। एंड हो भी नहीं रहा था कि एक ही स्पेसिफिक ब्रीड है जिसकी कंटिन्यूसली डेथ आकर हुए चले जा रही है, तो क्यों उसकी डेथ आकर हो रही है, कॉज जानने की कोशिश की गई। मगर अभी ये वो एरा है जहां पर इतनी ज्यादा तरक्की तो नहीं हुई भी थी, ये जरूर पता था कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसकी वजह से ये बीमार पड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी डेथ आकर हो रही है, मगर वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को मालूम करना फिलहाल मुमकिन नहीं हो रहा था। फिर ये हुआ, कुछ अर्सा गुजरता रहा, साइंस दान कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ये मालूम कर लें कि इस ऑर्गेनिज्म को एक्चुअल में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इस एक मुनिच को कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि किल किए चला जा रहा है। मगर उनकी इसी कोशिश में ना कि वो ये जान लें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको किल कर रहा है, इतना वक्त गुजर गया कि मुनिच की इतनी डेथ आकर हुई कि उसका जो फिगर है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के फिगर से भी लोअर आ चुका है। यानी मैंने भी इनिशियली कहा था कि डोमेस्टिक एनिमल इतना कॉमनेस्ट एनिमल होता है जिसकी तादाद सबसे ज्यादा होती है, मगर जब उसकी डेथ होती चली गई ना, होती चली गई, तो एक वक्त क्या आया कि जो मुनिच की तादाद थी वो डोमेस्टिकेशन की तादाद से बड़ी नीचे आ चुकी थी। मगर अभी भी साइंसदान यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये मालूम कर ले कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इस ऑर्गेनिज्म को, इस मुनिच को किल किए चले जा रहा है। यही सोच में या इसी अप्रोच में इतनी देर हो गई कि जहां वो मुनिच की तादाद मिलियंस में होती थी, वो रिड्यूस होकर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड टेंस के नंबर्स में आ गई, इतनी कम तादाद हो गई कि नौबत ये आ रही है कि ये मुनिच ने वहां से इराडिकेट ही हो जाना है, उस एक जगह से एलिमिनेट ही हो जाना है, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे दुनिया में बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हुए, पहले पाए जाते थे मगर फिर ये हुआ कि किसी ना किसी वजह से एक्सटिंक्ट होते चले गए। जैसे आप लोग के पास एक बहुत बड़ी मिसाल है डायनासोर्स की, डायनासोर इतना मैसिव ऑर्गेनिज्म था, इतना जायंट ऑर्गेनिज्म था, कोई कभी सोच ही नहीं सकता कि डायनासोर एलिमिनेट हो जाएंगे। बट फिर क्या हुआ, एक वक्त यह आया हमारे पास से डायनासोर एलिमिनेट हो गए, अब यहाँ पे डायनासोर नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म, जैसे ब्लाइंड डॉल्फिन नहीं अब मिलती हमारे रिवर्स में, तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त ये था वो काफी थी, देन हम लोगों ने अपने रिवर्स को इतना डर्ट किया कि वो ब्लाइंड डॉल्फिन तो वहां सर्वाइव कर ही नहीं सकती थी।
जब वो वहां सर्वाइव नहीं कर सकती थी तो फिर क्या हुआ, वो ऑर्गेनिज्म वहां से एक्सटिंक्ट कर गया, वो ऑर्गेनिज्म भी वहां से खत्म हो गया। तो ऐसे और भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रीवियसली हमारे स्टेट में या कहीं पर भी और पाए तो जाते थे, मगर उनकी प्रॉपर केयर नहीं की गई, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं की गई। कभी कभार एनिमल्स की हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी एक एनिमल को इतना फोकस कर लेते हैं ओवर हंटिंग कि उसकी इतनी हंटिंग कर देने की वजह से भी वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मगर ये जो ऑर्गेनिज्म जिसके भी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ना, मोनच की शीप है, ये एक्सटिंक्ट हो जाने वाली है, जिसकी वजह ये बन रही है कि इसको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इफेक्ट कर रहा है जो कि डायग्नोज नहीं हो पा रहा। और साइंसदान की अप्रोच कंटिन्यूसली यही है, साइंसदान की अप्रोच कंटिन्यूसली यही है कि किसी तरीके से बस वो ऑर्गेनिज्म डायग्नोज हो जाए ताकि उसको वो थोड़ा सा क्योर करके इस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवा पाए, मगर ये चीज मुमकिन नहीं हो पा रही। हर साल गुजरता गया और गुजरता गया, मुनिच की डेथ अफर होती चली गई। और अब नौबत ये आ गई है कि मुनिच एक्सटिंक्ट हो जाने वाली है, इसकी लास्ट फ्यू स्पीशीज अवेलेबल हैं, और अगर ये लास्ट फ्यू स्पीशीज भी इलेमिनेट हो गई, अगर ये लास्ट फ्यू स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो गई, तो फिर एट लास्ट ये होगा कि जैसे बहुत सारे और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उस एक विलेज से जहाँ की मुनिच डोमेस्टिक एनिमल थी, ये भी वहां से क्या हो जाने वाली है, इलेमिनेट। अब साइंसदानों ने ये सोचा कि हमें अपनी अप्रोच चेंज कर देनी चाहिए, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए, जहां हमारी अप्रोच ये थी कि हम लोग किसी तरीके से वो ऑर्गेनिज्म डायग्नोज करें जो कि इसको नुकसान पहुंचा रहा है, अब उनकी अप्रोच ये आ गई है कि ऑर्गेनिज्म छोड़ो जो इसके इसको इफेक्ट कर रहा है, किसी तरीके से इसको सर्वाइव करवाओ, पहले किसी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करो और इसका सर्वाइवल करवाओ, क्योंकि अगर ये बचेगी ही नहीं तो ऑर्गेनिज्म जान के क्या फायदा होगा। ऑर्गेनिज्म जान भी लेंगे तो क्योंकि पूरी की पूरी वो स्पीशी ही खा गया, पूरी की पूरी स्पीशी को ही मार गया, तो उसको जानने का भाई क्या फायदा होना है। उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की, उन्होंने कहा बाद में देखी जाएगी कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको इफेक्ट कर रहा था, फर्स्टली किसी तरीके से इस एक ब्रीड को बचाने की कोशिश करो। अब इस ब्रीड को बचाना था, उन्होंने क्या किया, वहीं पर एक और स्पीशी थी विच इज नोन एज सेल्डम, सेल्डम इज गोट, इस स्पीशी का सहारा लिया। किया कुछ यूं कि इस सेल्डम में से एक गैमेटिक सेल लिया और मोनेच में से, थोड़ी देर बाद में अपनी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करूंगा। दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक एक जर्म सेल, थोड़ा सा इसको समझाता हूं। सोमैटिक सेल आर दोस सेल्स विच आर ऑर्गेनल, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऑर्गन्स वगैरह की क्रिएशन करनी होती है तो हमेशा सोमैटिक सेल से होती है। और जर्मिनल सेल आर दोस सेल्स दैट परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन। अभी हमारा एम रिप्रोडक्शन है तो हमें यूटिलाइज कौन सा सेल करना चाहिए, जर्मिनल सेल। तो फिर तो रहा सोमैटिक सेल्स आर दोस सेल्स विच फॉर्म्स ऑर्गन्स, व्हेयरएज जर्म सेल्स आर दोस सेल्स दैट परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया मोनेज और एक ऑर्गेनिज्म ले लिया सेल्डम। अब उनकी उनका एम ये है कि किसी तरीके से इस मोनेज को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने क्या किया, सोमैटिक सेल से लिया एक ऑर्गेनल सेल सेल्डम में से, सोमैटिक सेल लिया, ऑर्गेनल सेल लिया, और मोनेज में से लिया एक जर्म सेल। बात यह है कि जब रिप्रोडक्शन होती है तब मेल एंड फीमेल जो होते हैं दोनों के जर्मिनल सेल चाहिए होते हैं, गैमेटिक सेल्स चाहिए होते हैं। जब तक गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, दैट इज द नेचुरल मैनर ऑफ रिप्रोडक्शन, नेचुरली जैसे रिप्रोडक्शन आकर होती है। अभी हुआ क्या है कि उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म में से तो लिया ऑर्गेनल सेल और दूसरे ऑर्गेनिज्म में से वो ले रहे हैं जर्मिनल सेल। एक का ऑर्गेनल सेल लिया जा रहा है और दूसरे का जर्मिनल सेल लिया जा रहा है। अब क्योंकि दोनों के दोनों जर्मिनल सेल्स तो मौजूद नहीं है, तो जब दोनों के दोनों जर्मिनल सेल मौजूद नहीं है तो पहला मसला ये आ रहा है, इज रिप्रोडक्शन नेचुरली पॉसिबल? तो जवाब है नहीं, रिप्रोडक्शन नेचुरली तो तब पॉसिबल होगी जब ये भी जर्मिनल सेल हो और ये भी जर्मिनल सेल हो। अब मसला ये आ रहा है, एक तो जर्मिनल सेल है मगर दूसरा सेल जो है वो एक ऑर्गेनल सेल है,
तो जब एक जर्मिनल सेल है और दूसरा ऑर्गेनल सेल है तो इन दोनों के दरमियान में नेचुरल रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, नेचुरल रिप्रोडक्शन तो मुमकिन हो ही नहीं, यहां से नेचुरल रिप्रोडक्शन की जा ही नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, इस जर्मिनल सेल का एक सेल लिया और ऑर्गेनल सेल से लिया न्यूक्लियस, यहां से एक सेल लिया और न्यूक्लियस लिया और इन दोनों को आर्टिफिशियली यूनाइट करा दिया। यानी क्या किया, मोनेश में से एक सेल को एक्सट्रैक्ट किया और सेल्डम में से ऑर्गेनल सेल का न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियस सेल निकाला उसमें से न्यूक्लियस अलग कर लिया और फिर इन दोनों को, यानी इधर से लिया हुआ ये न्यूक्लियस और इधर से लिया हुआ ये एक सेल, इन दोनों को आर्टिफिशियली यूनाइट करवाया, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि इन दोनों सेल्स को नेचुरली यूनाइट कराना मुमकिन नहीं है, इन दोनों को नेचुरली यूनाइट कराना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नेचुरली अगर रिप्रोडक्शन करवानी है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, दोनों सेल गैमेटिक सेल्स होने चाहिए थे, दोनों सेल जर्म सेल होने चाहिए थे। आर्टिफिशियली यूनाइट कराया, आर्टिफिशियली यूनाइट करा के उनकी ग्रोथ करवाई, ग्रोथ करवाई और उसको रीइम्प्लांट कर दिया इनटू द मोनेश, क्योंकि कंप्लीट डेवलपमेंट तो मदर्स बॉडी में ही होगी, उसको रीइम्प्लांट किया इसी ऑर्गेनिज्म में मोनेश में। और कुछ अरसे बाद जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई तो जो फर्स्ट क्लोन शीप डेवलप हुई मोनेश की, दैट वॉज नेम एज शीप डॉली। जो फर्स्ट क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ उस क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया एज शीप डॉली। मगर ये शीप डॉली की खासियत ये है कि ये दोनों जर्मिनल सेल से डेवलप नहीं होगी। शीप डॉली को डेवलप करने के लिए एक इस्तेमाल किया गया है सोमैटिक सेल और दूसरा इस्तेमाल किया गया है जर्म सेल, क्योंकि इन दोनों को आर्टिफिशियली यूनाइट करवाया गया तभी क्लोनिंग को क्या नाम दिया, कैसे डिफाइन किया जा रहा है, इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल मैनर अप्लाई किया गया है, जो मैनर इस्तेमाल हुआ है इट्स एन आर्टिफिशियल मैनर, मगर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आर्टिफिशियल इस्तेमाल नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ किसी एक्स वाई जेड चीज से को मिलाकर आपने एक लिविंग बीइंग बनाया हो। सोमैटिक सेल भी एक लिविंग थिंग था, जर्मिनल सेल भी एक लिविंग थिंग था, मगर ये जो यूनियन था ना ये नेचुरली पॉसिबल नहीं था। तो ये यूनियन जो करवाया है ये यूनियन सिर्फ और सिर्फ साइंसदानों ने कैसे करवा लिया, आर्टिफिशियली। जब उन्होंने ये यूनियन आर्टिफिशियली करवाया, आर्टिफिशियल इसकी डेवलपमेंट करवाई एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप वाज शीप डॉली, तो ये वो फर्स्ट क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म है जो के क्रिएट हो गया, पहला वो ऑर्गेनिज्म है जो के डेवलप हो गया। अब जैसे ये डेवलप हुआ तो हुआ ये कि इस प्रोसेस के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस आना स्टार्ट हुए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को उन साइंसदानों ने आंसर करना था जो कि ये क्लोनिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे। पहला ऑब्जेक्शन उन लोगों के ऊपर ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म आपने डेवलप किया है, इस ऑर्गेनिज्म को, शीप डॉली की बात कर रहा हूं, इस ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए आपने मॉडिफिकेशन अप्लाई की है। वो मॉडिफिकेशन क्या थी, यहां से एग लिया गया और यहां से लिया गया न्यूक्लियस, और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज किया गया, एक सेल्डम को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मोनेश को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब बाद में क्लोनिंग की गई ना, इसके आगे जाके जब क्लोनिंग की गई तो जैसे मोनेश को डेवलप करवाना था ना, तो मोनेश में से ही सोमैटिक सेल और उसी में से जर्म सेल लिया जाता है। तो ये मैं तुमको सबसे पहले पहले वाली बता रहा हूं क्लोनिंग, जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से इस्तेमाल किया गया था। लेटर ऑन जितनी भी क्लोनिंग हुई है वो सेम ऑर्गेनिज्म में से ही जर्म सेल ले लेते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म में से ही सोमैटिक सेल ले लेते हैं, तो वो बाद की क्लोनिंग है। तो ये बोला गया कि आपने दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को मिक्सअप किया, आपने उसको मॉडिफाई किया। तो ये जो ऑब्जेक्शन आया था, ये ऑब्जेक्शन आया था थ्रू द रिलीजियस स्कॉलर्स। तो जो साइंटिफिक स्कॉलर था उसने कहा हाँ हमने जरूर मॉडिफाई किया है, मगर हमने उसको मॉडिफाई किया फॉर द वेलबींग, किसी अच्छाई के लिए हम लोगों ने उसको मॉडिफाई किया। मैं बताऊं इससे फायदा क्या हुआ था ऐसा कर देने से। तो जो रिलीजियस स्कॉलर्स उनका ऑब्जेक्शन भी वैलिड लगता है, मगर जो साइंटिफिक स्कॉलर्स ने उसका काउंटर आंसर किया वो भी वैलिड लगता है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये आया, आपने नेचर की नेचुरल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर दिया। उन्होंने जो नेचर की बनी हुई चीज थी, जैसी उस जैसे जैसे उसको बनाया गया था उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया।
बिल्कुल वैलिड ऑब्जेक्शन है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे अल्लाह ने उसको बनाया था उन्हें उसके अंदर मॉडिफिकेशन डेवलप कर दिया, तो ऑब्जेक्शन बिल्कुल वैलिड है, मॉडिफिकेशन तो हुई है। तो जो साइंटिफिक स्कॉलर था ना उसका आंसर ये था कि हाँ मैंने मॉडिफिकेशन जरूर की है मगर जान बचाने के लिए की है, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया, ताकि किसी तरह से इसकी स्पीशी बच जाए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसकी स्पीशी भी नहीं बचती। तो ये जो काउंटर आंसर आया साइंटिफिक स्कॉलर्स की तरफ से कि भी बिल्कुल वैलिड था। ये जितने भी सवाल आएंगे ना रिलीजियस स्कॉलर्स से, तो साइंटिफिक स्कॉलर्स को आंसर करेगा, ना इधर रिलीजियस स्कॉलर्स गलत बोल रहे हैं ना ही साइंटिफिक स्कॉलर्स गलत बोल रहे हैं, दोनों अपने अपने एस्पेक्ट में सही बोल रहे हैं, मगर अभी फिलहाल वक्त की जरूरत क्या थी कि किसी तरीके से इस मुनज को बचाया जा सके, क्योंकि ये तो एक्सटेंशन की तरफ हो जा रही है, अगर इसको ऐसे करके नहीं बचाया जाता तो क्या होता, मुनज की स्पीशी जो है वो टोटली एक्सटेंक्ट हो जाती। अब ये सेल्डम से यूनाइट करके फायदा क्या हुआ, देखो उसके पीछे फायदा ये हुआ कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म था जिसको साइंस ने डायग्नोज नहीं कर पाया, वो जो भी ऑर्गेनिज्म था वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ किसे इन्फेक्ट कर पा रहा था, मनुष्य को, उसका सारा का सारा इंपैक्ट किसके ऊपर आया था, मनुष्य के ऊपर। अब वो मनुष्य को मारे चला जा रहा था, मगर अब जो शीप डॉली डेवलप की गई है इस शीप डॉली में थोड़ा इफेक्ट सेल्डम का है, थोड़ा इफेक्ट मनुष्य का है, सेल्डम को तो वो ऑर्गेनिज्म किल नहीं कर रहा था। जब मॉडिफाई करके मिक्सेशन करा दी गई है, यानी सेल्डम को मिक्सअप कर दिया गया विद मनुष्य, जब मॉडिफिकेशन कर दी गई है तो अब वो ऑर्गेनिज्म बेशक मनुष्य को तो इफेक्ट करेगा मगर सेल्डम को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो शीप डॉली के अंदर मनुष्य के भी इफेक्ट्स हैं और सेल्डम के भी इफेक्ट्स हैं। तो जो इफेक्ट्स मिक्स हो गए हैं मनुष्य के और सेल्डम के, इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अब इस शीप डॉली को इफेक्ट नहीं कर सकता। शीप डॉली को इफेक्ट करने के लिए उसको इसकी सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स चाहिए मनुष्य वाली, जो कि ऐसा नहीं है। शीप डॉली के अंदर जहां मनुष्य के इफेक्ट्स हैं वहीं सेल्डम के भी इफेक्ट्स हैं, तभी उन्होंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया, उसको इस तरीके से मिक्सअप किया कि जहां मनुष्य के इफेक्ट्स हैं वहीं सेल्डम के भी इफेक्ट्स हों, और सेल्डम के जो इफेक्ट्स एडअप कर दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो इफेक्ट्स इस ऑर्गेनिज्म का जो एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो कि शीप डॉली डेवलप हुई है, इस मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये जो मनुष्य का ऑर्गेनिज्म था जो कि नियरली एक्सटिंक्ट हो चुका था, खत्म ही हो जाने वाला था, इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर दिया गया, एंड देन ये शीप डॉली कई इयर्स तक सरवाइव करी एंड अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके फिर फाइनली इसकी डेथ आकर होगी। मगर उस दौरान जब तक इसने सरवाइव किया, इसके बनने से मनुष्य की बहुत सारी ब्रीडिंग्स करवा दी गई थी, और बेशक अब वो डोमेस्टिक एनिमल तो नहीं रहा, डोमेस्टिक एनिमल के लिए उसकी तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जैसे हमारा डोमेस्टिक एनिमल मार्को है, तो डोमेस्टिक एनिमल तो नहीं रहा, मगर ऐसा जरूर हो गया कि इसकी वजह से, इस ब्रीडिंग की वजह से इस मनुष्य की स्पीशी को प्रोटेक्ट कर लिया गया, सर्वाइव कर लिया गया, एंड इट्स स्टिल सर्वाइविंग, ये आज तक सर्वाइव कर रही है, अदरवाइज क्या होता, वो 1997-1996 के अंदर ये एलिमिनेट हो चुकी होती, एक्सटिंक्ट हो चुकी होती और इसकी टोटल इराडिकेशन आ चुकी होती, और ये भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ही पे कंसिडर किया जाता। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी कि कैसे क्लोनिंग को परफॉर्म किया गया, किन वजूहात परफॉर्म किया गया, क्या ऐसी बेसिस बन रही थी जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया था। तो आई होप आप लोग को ये सारी की सारी बातें रिलेटेड टू क्लोनिंग हिस्ट्री समझ में आ चुकी हो। अब हम लोग इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें पहले मैं क्लोनिंग के सारे पॉइंट्स वगैरह डिक्टेट करूंगा और इसके पॉइंट्स वगैरह डिक्टेट करके फिर नए वाले टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्लास ऑफ है, अल्लाह हाफिज़।